सो हेलो एवरी वन आई एम यॉचिंग स्का इज द लिमिट सो आज का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कॉलेज ओपन हो रहा है बहुत ही जल्दी आपको पता है अनाउंस भी कर दिया गया है बहुत ही जल्दी ओपन हो सकता है अगर सब कुछ सिचुएशन ठीक ठाक रहे नवंबर से मैक्सिमम जो चांस बोला गया है ममता बैनर्जी की तरफ से पर अभी कुछ कंडीशन दिया गया है कुछ बोला जा रहा है वैक्सीनेशन के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सच में क्या अक्टूबर में या मतलब पूजा के बाद नवंबर से क्या डेफिनेटली चालू होगा या फिर नवंबर में चालू ना भी हो सकते है स्कूल कॉलेजेस ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं आप लोग डेफिनेटली और भी प्यार को बढ़ाइए शेयर कीजिए वीडियो को एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वेस्ट बंगाल टू वैक्सीनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बिफोर रीओपनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स पे अपडेट आया है यहाँ पे

वैक्सीनेशन कब तक कंप्लीट होगा कब तक सभी का वैक्सीनेशन दिया जाएगा यह भी देखिए यहां पे बोला गया क्या बोला जा रहा है वेस्ट बंगल गट इज प्लानिंग टू वैक्सीनेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी यूपनिंग एडुकेशन इंस्टूशन एक्सपेक्टेडली इन मतलब पूजा के बाद नवंबर तक नवंबर भी आपका टाइम लिया जा सकता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का पर जो जो स्टूडेंट एट्टीन प्लस है पर स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन हो सकता है पर मेनली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का वैक्सीनेशन हो सकता है जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है

कॉलेज यूनिवर्सिटी तो जो जो स्टूडेंट सोच रहे थे कब तक ओपन होगा कब तक ओपन होगा तो आपके लिए एक अच्छा न्यूज है कि अभी वैक्सीनेशन का भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स का कॉलेज यूनिवर्सिटी का वैक्सीनेशन के लिए भी अभी वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है वो सोच रहे हैं उसके बाद वन वे वन करके डेफिनेटली ओपन कर दिया जाएगा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी द स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी हैज सेंट अ लेटर टू द काउंटर पार्ट इन द स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ इन द डिस्ट्रिक्स टू एक्सपाइट वैक्सीनेशन ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट एलिजिबल स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन का भी यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सभी के पास लेटर भेजा गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चीफ मेडिकल ऑफिसर सभी को यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सभी को मैसेज किया गया है स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से वैक्सीनेशन सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट कीजिए क्योंकि अभी वेस्ट बंगल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपनिंग के लिए सच में आगे बढ़े हैं आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है विथ द व्यू ऑफ पॉसिबल रिस्टार्टिंग ऑफ ऑफलाइन इंस्ट्रक्शन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इट हैज बीन डिसाइडेड टू वैक्सीनेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ईच हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द आर्स्ट पॉसिबल द वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी ऑर्गेनाइज बाई हेल्थ डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द लेटर स्टेटेड तो लेटर में भी यही बोला गया है कि आपका जल्दी से जल्दी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वो चालू किया जाएगा इसके लिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है तो सभी के पास अभी लेटर भेजा गया है ताकि जो हैं उनका vaccination complete हो पाए इसका इसका मतलब देखभाल देखभाल करेंगे and definitely state health department भी इसका करेंगे भी वाइल दुर्गा पूजा स्टार्ट दिस ईयर फ्रॉम अक्टूबर इलेवन इमर्शन प्रोसेस वुड बी कंटिन्यू टिल अक्टूबर सेवनटीन द पूजा वैकेशन इन वेस्ट बेंगल्यूज टिल और वाई फोटा एवरी ईयर दिस ईयर हाव स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वीच आर नाउ सस्पेंडेड ड्यू टू कोविड 19 आर लाइकली टू ओपन आफ्टर पूजा वेकेशन तो पूजा वेकेशन के बाद मेनली बोला गया है कि आपका ओपन हो सकते है पर उससे पहले आ, मतलब ट्राई किया जाएगा एंड डेफिनेटली मेनली नवंबर तक ट्राई किया जाएगा कि सभी स्टूडेंट्स का जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का है उनका वैक्सीनेशन खत्म हो जाए जिनका अभी तक एक डोज भी नहीं हुआ है उनका मिनिमम एक डोज जिनका एक डोज हुआ है उनका दो डोज डेफिनेटली कंप्लीट होना मैंडेटरी है उसके बाद ही वन बाई वन करके ओपन किया जाएगा तो मैंडेटरी जो है आपका वैक्सीनेशन है तो स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा इसके लिए अभी बात चल रहा है पर ये हम लोगों को समझ आ रहा है कि डेफिनेटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सोच रहे हैं कितना जल्दी कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन किया जाए पर आपका मेनली जो बोला जा रहा है आपका डेफिनेटली टाइम लगेगा इतना सारे स्टूडेंट्स को जिनका अभी तक नहीं हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं हुआ है वैक्सीनेशन अभी तक भी कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है बहुत सारे जगह पे तो जिनका अभी तक नहीं हुआ है उनको पहले दे दिया जाएगा वैक्सीनेशन तो अभी हो सकता है कि नवंबर मिडिल आपका चला जाए तो मैक्सिमम जो चांस है कि नवंबर एंड करके आपका स्टार्ट हो जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले फाइनल ईर स्टूडेंट्स उसके बाद वन बाय वन करके इंटरमीडिएट्स को बुलाया जा सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था मैंने आपको बता दिया चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आर्लियर हिंटेड एट अलोविंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू रीओपन आफ्टर पूजा ये तो मैंने बताया कि नवंबर से ओपन किया जाएगा पहले बोला गया था पर नवंबर में अगर यहाँ पे बोला गया आप देखिए नवंबर में अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट्स हैं उनका सभी का स्टाफ को स्टूडेंट्स का अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जाए तो नवंबर एकदम स्टार्टिंग से तो नहीं होगा नवंबर एंड करके होपफुली आपका चालू हो सकता है अभी देखना पड़ेगा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है मैं डेफिनेटली आपको फर्दर अपडेट्स दूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था कि वैक्सीनेशन मस्ट कर दिया गया है अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का रीओपन करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक के लिए बाय बाय